अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश, आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद, और शकील शाह हमारे साथ मौजूद, ड्रामा प्ले कर रहे थे और आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम, कैसे हैं आप? सर ये बताइए, ड्रामा प्ले हो रहा था बहुत अरसे बाद, जो है कोरोना चल रहा है और कोरोना के बाद जो है ना वो ड्रामा प्ले होना स्टार्ट हो गया आर्ट काउंसिल में, ये तो एक सबसे बड़ी काविश इनकी अहमद शाह साहब की है। जी जी, ठीक है, क्रेडिट जाता है बहुत। बाकी ये कि कोरोना की वजह से काफ़ी एक्टर्स भी तमाम फील्ड मुतासर हुई हैं। देखिए तमाम फील्ड, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी फील्ड, पहले तो मैं नज़र पॉइंट देखने वाले को तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, आपकी मोहब्बत और चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हुआ है ना, जो मुतासर हुआ है, वो हमारा शोबिज़ हुआ है। शोबिज़ एग्जैक्टली, क्योंकि ना सिनेमा चल रहे हैं ना थिएटर्स चल रहे हैं, जब पब्लिक नहीं आएगी, हमारे ड्रामे नहीं होंगे, हम कहाँ से कमाएंगे खाएंगे? बिल्कुल सही। तो ये हमारे पे डायरेक्ट एक अटैक पड़ेगा, अब अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर जो हमारे सदर आर्ट काउंसिल के जनाब अहमद शाह साहब, उन्होंने फनकारों के लिए जो किया है, हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं और आप लोगों का शुक्रिया कि आप आए, हमारे ड्रामे को कवरेज दी, और इस तरह के ड्रामे होने चाहिए, इस कदर मियारी ड्रामे। बहुत दिनों बाद हमने एक अच्छा ड्रामा किया, जनाब आदम राठौड़ साहब की राइटिंग हुए और उनकी डायरेक्शन में, और तमाम फनकारों ने, जैसे होता है ना वो लड़ी में मोती पुरे हुए होते हैं, इस तरह आदम भाई ने इस तरह हमसे काम लिया, और हम आइंदा भी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की तवक्को पे, आवाम की तवक्को पे पूरा उतरे और अच्छे से अच्छे म्यारी ड्रामे आपको पेश करके दिखाएं। सर लास्ट में नज़र पॉइंट के तवस्से से कुछ पैगाम दीजिए आवाम भाई। नज़र पॉइंट, हाँ बिल्कुल, कराची गया भाई, जहाँ जहाँ ये देखा जा रहा है नज़र पॉइंट, तो मेरी आपसे गुजारिश है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा चैनल है, ऐसा इन्फो इंटरटेनमेंट चैनल है जिसमें आपको तमाम वैरायटीज़ मिलेंगी, तो इसे देखिए, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, आपका हमारा सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू, वेलकम।